अच्छी तरह जानता हूं इनको, इनकी जेब भर रही है और कुछ नहीं है इनके ऊपर, बीती है मालियों के ऊपर, उनसे बात करते हैं। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है, गरीब जनता के साथ धोखा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी और हम लोग इस समय सेक्टर 29 की एक नर्सरी में मौजूद है, जहां पर कई जो यहां पे कार्य करने वाले, पेड़ लगाने वाले माली हैं, उनसे उनकी नौकरी बचाने, कोरोना काल के समय में नौकरी बचाने के लिए इनके ठेकेदार द्वारा पैसे लेने के इनकी तरफ से आरोप लगाए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। माता जी, आपका नाम क्या है? मैं इलिया जी। आपसे किसने पैसे लिए, क्या बोल के लिए, उसके बारे में बताएंगे मुझे? वो बोला ठेकेदार मांग रहा 2000 पैसे देना, इसलिए बोला गया था, इसलिए मैं दे आया था 2000 पैसे दे आया था जी। 2000 आप दे चुके हैं? दे आया। पहले कितना लिया था उन्होंने? 2000 दे आया। 5000 5000 हाँ जी, ये महीना में 2000, अगले महीना में 2000, अपरा अगले महीना में 1000। इसलिए बोल रहा तुम नौकरी में हटाऊंगा। क्यों हटाएंगे? नहीं वो तो बोल रहा मेरा बंदा लगाऊंगा, इसलिए पैसे देगा ना रखूंगा, लेना मेरा बंदा लगाऊंगा। इनके ऊपर बीती है मालियों के ऊपर, उनसे बात करते हैं। बताया जा रहा है कि ये पक्के नहीं है, तो आप बताइए क्या हुआ है और क्या किसको चीज को लेकर आपसे पैसे मांगे गए? वो इधर रखने के लिए, यहाँ रखने के लिए, पक्का करने के लिए? वो नहीं है, वो ऐसे मांग रही है पैसा। ऐसे ही मांग लिया? कितना मांगा है? पहले 5000 मांगा था, उतना नहीं दिया, भाई 2000 दिया था वो। इसी महीना दिया है? हाँ जी। किसको पकड़ाया था पैसा? सारा सुबह से बस हम किया था सारा। आपने पूछा नहीं ना कि क्यों मांग रहे हो पैसे हमसे? ऐसा दिया था, हम रखूंगा नहीं, हम कर दूंगा ऐसा बोल रहा। अच्छा। करके नया बंदा का रखूंगा, उसको 8000 सैलरी के लिए नया बंदा का रख लूंगा ऐसे। आप लोगों को कितना सैलरी दे रहे हैं अभी? अभी मेरा 13000 मिल रहा। यहाँ पर क्या है? मैं मालिक का काम करता हूँ। सर, आपके ऊपर आरोप लगाए गए हैं कि आपने मालियों से पैसे लिए हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनसे 2000 रुपये लिए हैं। सर, हमने नहीं लिए हैं, ये ठेकेदार की तरफ से संदेशा आया था जो बंदे पैसे इकट्ठे करेंगे। ठेकेदार का नाम बताएंगे आप? ठेकेदार का विनय पांडे जी। हाँ जी, तो कह रहे सारे बंदे पैसे इकट्ठे करके हमें दो, और हमने सबने इकट्ठे किए, सारे बंदों ने पैसे दिए 2000 रुपये, हमने पैसे इकट्ठे किए और हमने दिए उसको। संदेशा कैसे आया था? फ़ोन आया था? फ़ोन के जरिए। हाँ जी। आपको आया था? नहीं, हमारे को नहीं आया था, वो हमारी यूनियन वालों को आया था जी, कि सबने इकट्ठे करने पैसे और उनको देने हैं 2000 रुपये, नहीं तो निकाल देंगे इनको सबको, करें नहीं तो हम इनको निकाल देंगे। अच्छा। और हमने सबने इकट्ठे किया, ऐसी कोई बात नहीं है, और हमने बुला लिया उनको कि भाई ये पैसे हमारे बंदे वापस दे, हमारे बंदों को। आपने पैसे किसको पकड़ाए? ठेकेदार आया था, उनका कोई बंदा बुंदा आया था जी लेने के लिए। और नाम पता है उसका? नाम तो नहीं सर पता है। क्या मामला है और क्या आरोप लगाए गए हैं? सर, आपका नाम? मैं विक्रम सिंह पुंडीर हूँ, संगठन मंत्री आम आदमी पार्टी चंडीगढ़। क्या मामला है सर? मामला ये है कि हम तक कंप्लेंट आई है कि यहाँ पर जो 20-20 साल से माली है हमारे और सोर्स वाले, उनसे 5000 रुपये ठेकेदार मांग रहा है, जिसमें 3 इंस्टॉलमेंट होंगी, 2 इंस्टॉलमेंट 2000 की होगी और 1 इंस्टॉलमेंट 1000 रुपये की होगी, जिसमें से यहाँ पर 55 लोग हैं। इन 55 लोगों से आज ठेकेदार 1,10,000 रुपये किसके माध्यम से जी, क्या नाम है उनका, पक्के माली सुभाष जी के माध्यम से ले जा चुके हैं। हाँ जी सर, मैं इसी हॉर्टिकल्चर में वर्कर हूँ, मैं यूनियन के लिहाज से मैं प्रोटेस्ट कर रहा हूँ इसमें। तो आज कल मेरे पास इनका फ़ोन आया था, तो ये उस कारण मैं इधर आया हूँ। लास्ट मंडे ये काम सेक्टर 33 के स्टोर पर भी हुआ था, तो वहाँ पर भी ठेकेदार के, वहाँ पर भी 1,40,000 इकट्ठे हुए थे, तो वहाँ पर भी उन्होंने बाद में हमारे प्रोटेस्ट करने के बाद हमने पुलिस को बुलाया, तब उन्होंने शाम को पैसे वापस दिए। आपके हिसाब से कितने लोगों से पैसे ले चुके? ये कम से कम भी ये मेरे हिसाब से कोई 6-7 लोगों से, 600-700 लोगों से पैसे ले चुके हैं। एक्चुअली लोग इस करके नहीं बोल रहे इनको डराया जा रहा है, मैं बेसिकली आपको शुरू से बताता हूँ कि यह मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि एक टेंडर पास होता है कॉरपोरेशन से, तो 0.1% पर मेरे को उसके बारे में जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो उसके बाद क्या है जी, इनको 1 सितंबर से ये शुरू हुआ है, तो अब इनको क्या है कि इनको पहले ही यूनियन जो है
सुभाष जी जो रेगुलर माली है यहाँ पर, वो यूनियन, जो यूनियन यहाँ पर जीती हुई है, जो रजिस्टर नंबर 473 है, उसके जो जनरल सेक्रेटरी है वो है अपना रघुवीर चंद। सारा काम ये उनसे की मिली भक्त है। जो उनके अपने रिश्तेदार हैं उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे, वो भी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, और जो अदर पर्सन है उनसे लिए जा रहे हैं, और इनको डराया जा रहा है कि अगर आप ये 5,000 में ये मतलब कि ये बात तय हुई है कि ये दो इंस्टॉलमेंट दो हज़ार में और एक इंस्टॉलमेंट 1,000 में, ऐसे टोटल 5,000 में बात हुई है, और अगर ये नहीं देंगे तो इनका नाम काट दिया जाएगा और दूसरे बंदों को रखा जाएगा। हमारे साथ पार्षद दिलीप शर्मा जी मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि क्या मामला आपके संज्ञान में है। देखिए, मेरे पास हमारे एक समर्थक थे, उनका फ़ोन आया कि यहाँ पर हमें कोई गाड़ी गलोच वगैरह कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर जब आया तो बात कुछ और आई सामने कि जो ठेकेदार हैं वो दो पाँच हज़ार रुपये ले रहा है लगाने के नाम पर। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है, अन्याय है, गरीब जनता के साथ धोखा है। और आज मुझे लगता है कि भी ठेकेदार दोनों तरफ से कमा रहा है, वो गवर्नमेंट से भी ले रहा है और जनता से भी कमा रहा है जो एम्प्लॉयज भर्ती करता है, वो सरासर अन्याय है और वो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसके लिए संघर्ष करेंगे। जैसा कि पार्षद दिलीप शर्मा जी ने बताया कि जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ये घपलेबाजी में मिला जुला होगा, उस पर कड़े से कड़े कदम उठाए जाएंगे। और हमारे साथ जो अभी कुछ देर पहले बात की थी, मालियों ने बात की, उनके जो उनके लीडर थे उनके आगे आके जो आवाज़ उठा रहे थे, उन लोगों ने बात की और पूरे मामले को बताया, और उसके बाद जाकर इन्होंने कंप्लेंट भी करी, पुलिस में कंप्लेंट दी है, और लिखित तौर पर जो कंप्लेंट दी गई है वही उसके बाद पार्षदों को और ठेकेदारों को भी बताया, और जिस आदमी ने इनसे पैसे लिए और ठेकेदारों को दिए उससे भी हमने बात की और आपको दिखाया कि क्या उनका कहना है, किन मजबूरियों के कारण उनको ये जो ठेकेदार हैं इनको पैसे देने पड़े। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं राहुल तिवारी, अर्थ प्रकाश न्यूज। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।